पापा टेक दिस। मोना कितनी बार कहा तेलुगु में बात करो। सॉरी पापा भूल गई थी, ये लो। पापा आपको तेलुगु पे इतना अभिमान क्यों है? कैसा बेवकूफाना सवाल है, तेलुगु वाला होना खुशकिस्मती है, हमें तेलुगु में ही बात करना चाहिए, तेलुगु में ही सोचना चाहिए। वैसे एक डाउट है पापा, हमारे तेलुगु वालों को अपना एक अलग राज्य चाहिए था ना, तो फिर जब वो बन चुका है तो तेलुगु राष्ट्र या तेलुगु प्रदेश ऐसा नाम क्यों नहीं रखा जैसे तमिल वालों ने तमिलनाडु का रखा है? हाँ बोलू, सब कुछ ठीक है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। वैसे मेघा का फोटो सेशन खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। वैसे गुड न्यूज़ है, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। ओहो, तो सासू माँ ट्रीट देने वाली है। हाँ बिल्कुल ठीक समझा है तुमने। तो फिर शॉपिंग पर जाकर अच्छी सी ड्रेस लेती हूँ। क्या लूँ, साड़ी, चूड़ीदार, हाफ साड़ी, इनमें से कुछ भी ले लूंगी। हाँ वैसे अभी क्या पहना है तुमने? हाँ? कुछ भी नहीं पहना। ऐसे तो बोलू तुम पहले से और ज्यादा हॉट लग रही होगी। शट अप, मैंने स्लीवलेस टॉप पहना है। उसमें तो तुम और ज्यादा हसीन लगती हो। मार डालूंगी तुम्हें। मैं मरने को तैयार हूँ ब्लू। अपना मुंह बंद रखो। पहना है। कलर? 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 मार खानी है तुम्हें? बताओ ना। ओए, मस्ती चढ़ी है क्या? नहीं, सिर्फ तुम्हारा नशा चढ़ा है मुझे। अरुण टू हार्डकोर। वैसे बुलू तुम अपने शरीर को संभाल कर रखा करो। हाँ संभाल कर रखना, मेरे बदन में क्या है पागल कहीं के। यू तुम चुप रहो। अयो चुप रहो ना। बुलेन कहाँ हो? अब क्या कर रही है? I'll call you later, okay? तुम्हारी मम्मी हमेशा wrong timing पर आ जाती हैं। किससे बात कर रही थी तू? अरुण से माँ। क्यों प्यार हो गया? वो देख रही हूँ आजकल तुम उससे ज्यादा ही बात कर रही हो। हाँ माँ, अरुण और मैं डर गई क्या? मुझे पता है अरुण ही तेरे लिए सही पार्टनर है। सही वक्त देखकर मैं तेरे पापा से बात करूंगी। थैंक यू माँ, आई लव यू। क्या सोच रहे हो अरुण? तुम मेघा ही हो ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं मेघा ही हूँ ना। इतने दिनों में कितना कुछ बदल गया। तुम काफी बदल गई हो मेघा। मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। ओह हाँ, मुझे बुलन ने काफी बदल दिया है। तुम मुझे भूल गए ना? I'm so unlucky। क्या हुआ मेघा? रोहित पे यकीन करके मैं इंडिया गई थी।
मुझे टॉप की मॉडल बनाने की जगह वो मुझे कॉल गर्ल बनाने की कोशिश करने लगा। किसी भी तरह मैं वहां से बच के निकल गई। तुमने मुझे कितनी बार समझाया पर मैंने गलत समझा। भारतीयता का मतलब क्या है वहां की मिट्टी पे कदम रखने के बाद ही मुझे समझ में आया। That's India. अब क्या करना चाहती हो तुम? Hey अरुण, उस चाइनीज लड़की को मनाने के लिए दो और चाइनीज मंथ लगेंगे। तो क्या करेगी वो? नेहरू लेक पेंटिंग मार लेगी, समझा? शार्पली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शार्पली जवाब देना। ठीक है, पूछो। एक लड़के को लड़की से प्यार करने की जो खुशी शादी से पहले होती है, शादी के बाद क्यों नहीं होती? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। मैं बताऊं, जब हम एक लड़की को प्यार करके छोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि वो किसी दूसरे बकरे को पकड़ लेगी और हम खुश रहते हैं। लेकिन जब हमारी शादी किसी लड़की से होती है तो हमें पता चलता है कि हम भी एक बकरा ही हैं और हम बलि चढ़ चुके हैं। क्यों, बुरा लग रहा है ना? दिल में ऐसी बातें रखेगा? नहीं करेगा। चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे, समझा? चल जा। सुनो, दूर जा रही हो पर हमारे दिल से दूर नहीं जा रही हो। मुझे न सही पर अपनी माँ को फोन करती रहना। ठीक है पापा। बुलंद, अकाउंट समझ में आ गए ना? कल से रेस्टोरेंट तुम ही संभालोगी। तुम बस इतना जानती हो कि हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, पर यहाँ आकर कभी इसे देखा नहीं। तुमने खुद को इतना बिजी बना लिया है। ए मिस्टर सर, तुम यहाँ नए आए हो? हाँ सर। ऐसे सर्व नहीं करते हैं। सॉरी सर। मुझे ध्यान से देखो। ओके सर। ऐसे। ओके सर। With humble we have to serve, okay? Yes sir. Carry on मिस्टर। तुम्हें वक्त की अहमियत नहीं पता। सुनिए जी, आज यहाँ पर उसका पहला दिन है और आज ही आप उसे डांटने लग गए। देखो बुलंद, ये कपड़े सिलने वाला बिजनेस जैसा नहीं है। चार कपड़े आपने इकट्ठा कर लिए, इधर उधर सिलाई कर दी और दे दिया। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका दिमाग काम नहीं करता। यहाँ आने वाला हर कस्टमर अलग अलग मूड में होता है, उनके उस मूड को बदल कर उन्हें खुशी खुशी यहाँ से भेजना आसान काम नहीं। रेस्टोरेंट साफ नहीं रहेगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। खाना स्वादिष्ट न हो या परोसने वाले का मुंह टेढ़ा हो तो यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं ओनर हूँ, ये सोच कर कहीं बैठ कर पैसे गिनने से काम नहीं चलेगा। सुनिए जी, ये सब बताने की क्या जरूरत है? वो बड़ी है, सारी बातें समझती है। यही बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। व्यापार में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या नहीं करना है ये जानना जरूरी है, और तब ये पता चलता है कि कैसे रहना है। एनीवे, इस वीकेंड यहाँ एक मिनिस्टर का फंक्शन है। ये बिजनेस शुरू करने के बाद पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। इसे कैसे हैंडल करोगी देखना चाहता हूँ। देखा आपने, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी के कदम पड़ते ही आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मेरी बेटी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। नसीब वाली है कि नहीं फंक्शन के बाद पता चलेगा। मेघा, बुलू, माँ इंतजार कर रही होंगी। चलो हम चलते हैं, चलो। मेघा, तुम यहाँ पर? पोर्टफोलियो की सीडी लेने आई हूँ। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, पार्टी में क्या? ऐसा ही समझ लो, आज माँ हम दोनों को ट्रीट देने वाली है। कहाँ पर? उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में ना। आंटी को वहाँ का स्वीट बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। अच्छा बुलन, मैं भी आ सकती हूँ क्या? सासू माँ, डेजर्ट्स में क्या बोलूँ, बटर स्कॉच या? आंटी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, गुलाब जामुन और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दोनों को मिलाकर खाना बहुत पसंद है इनको। देखा अरुण, मेरी होने वाली बहू मेरे टेस्ट के बारे में कितना अच्छे से जानती है। ब्ला, 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 ब्ला। आंटी, अरुण और बुलेन शादी करने की सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके,
I really had a great time. Me too. Bye, Bulen. Bye, Arun. Bye. Take care. बोलो, क्या हुआ? तुम बिना कुछ बोले जा रही हो? भरोसे को खो दिया है अरुण। बोलो। नहीं, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम भी सुनना मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मेरे बेटर हाफ से तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ही ज्यादा ठीक थे तुम। तब मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी अरुण। उस रास्ते पर जाने वाली को लाकर मेरी सासू माँ के सामने मेरा अपमान किया। बोलो, तुम क्या बोल रही हो? मेरी होने वाली सासू माँ नहीं, कभी ना होने वाली सासू माँ। गुड बाय। बोलो, नेवर से गुड बाय। प्लीज से सी यू लेटर। नो वे अरुण। सॉरी बेटा, कल की बात के लिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तुम्हारी और मेघा की ब्रेकअप वाली बात मैं भूल गई थी। सिर्फ एक ही बात याद नहीं थी ना आपको? मैं तेरी माँ हूँ, ये बात भूल गई हूँ, यही कहना है ना? वैसे भी तुम्हें मुझसे ज्यादा बुलंद की पड़ी रहती है। आजकल तो मुझसे ज्यादा प्यार वो तुम्हें करती है ना? हाँ माँ, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे माँ वाला प्यार दे नहीं पाई, और मुझे वो प्यार बुलू से मिल रहा है माँ। माँ, कॉफी। नंदिनी, थोड़ी कॉफी लेकर आओ ना। नंदिनी काफी पहले स्कूल जा चुकी है, मैं लेकर आऊँ क्या? पापा, तुम खाना खाती हो या घास खाती हो? रेस्टोरेंट का लंच टाइम हो चुका है। यही अगर तुम्हारी दीदी होती तो सुबह 5 बजे उठकर सारा काम उसने खुद कर लिया होता। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारी दीदी इज द बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट। सोचा था तुम कम से कम सेकंड बेस्ट तो बनोगी, तुम उसके भी लायक नहीं। मैंने रात को ही सब ऑर्गेनाइज कर दिया था, बस थोड़ा थक गई थी। बहाने मत बनाओ, यूजलेस फेलो, गेट लॉस्ट। क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम हटो। बुलेन, क्यों रो रही है बेटा? तू तो अपने पापा को जानती है ना? माँ, मुझे हर कोई क्यों सेकंड बेस्ट के रूप में देखता है? थोड़े दिन कम से कम कुछ समय के लिए भी बेस्ट नहीं बन सकती क्या? पागल कहेगी। तेरी काबिलियत के लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तू कितनी काबिल है तू जानती है ना? सेकंड बेस्ट कहने से तू सेकंड नहीं हो जाओगी, तू तो हमेशा फर्स्ट रही है बेटा। क्या रे, वहाँ पर घरे की तस्वीर किसने लगाई? वो तस्वीर नहीं, वहाँ पे आईना लगा। हाँ, है आईना है। कितनी बड़ी गलती हो गई, शेर को गधा बोल दिया। क्या रे आलसी नंबर वन, तब से बकवास ही कर रहा है या कुछ काम भी किया तूने? सुधरेगा नहीं ये, अंदर जाओ और काम कर। जा रहा हूँ। हेलो हेलो बुलन, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें क्या करना है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बोलो कहाँ पर हो तुम? तुम्हें गुस्सा आया तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज बुलू, कहाँ पर हो तुम? तुम ऐसे पूछोगे तो बताऊंगी। कार ब्रेक डाउन हो गई है, जेलिंडियस में हूँ। ओह, तो अब ये टैक्सी? नो 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 बुलू, पास की स्टूडियो में हूँ, मैं 5 मिनट्स में पहुँच जाऊंगा। ओके। अरुण, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अरुण नहीं बुलन, मैं मुर्गन। अरुण दूसरे कस्टमर्स आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हेलो टैक्सी। एक हिंदुस्तानी लड़की की
इज्जत करनी भी तुझे नहीं आती है। मेघा तुझे पसंद नहीं करती है, फिर भी तू इसका पीछा क्यों कर रहा है? लड़की किसी आदमी को मानती है तो पूरे मन से मानती है, ना पैसे और जोर जबरदस्ती से। तुम्हारा यहाँ दिखना भी मत। अरुण के बारे में जानते नहीं हो, जान से मार देगा। जाओ यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, मैं कहता हूँ जाओ। क्या हुआ राजा, डाइनिंग टेबल पर गेस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं? सॉरी सर, खाना खत्म हो गया, काउंटिंग से ज्यादा गेस्ट आ गए सर। तो फिर उनके लायक खाना हम अरेंज नहीं कर सकते थे क्या? अगर यहाँ पर लोग दुगने भी हो जाए ना, फूड अरेंज करने का प्रोविजन हमारे पास है। एक घंटा पहले अगर एस्टिमेट मिल जाता अब तक फूड अरेंज हो जाता। वैसे तुम्हें यह सब कैसे पता होगा? बुलंद कहाँ है? और थोड़ी देर बाद आ जाती ना। पापा, जरा सी भी अक्कल है? आज का ये फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट था तुम जानती हो? हमारे मिनिस्टर फॉरेन डेलीगेट्स को पार्टी दे रहे हैं। अगर तुम यहाँ एक घंटा पहले होती तो डिनर इस तरह अपसेट नहीं होता। छी, तुम्हारी वजह से रेस्टोरेंट की रेपुटेशन स्पॉइल हो चुकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती, प्रायोरिटी नहीं समझती, और ऊपर से तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ, ऐसे नकारों की तरह मेरे सामने खड़ी मत रहो। जाओ। गलती हो गई अरुण, बहुत बड़ी गलती। मैं अपनी गलती नहीं सुधार सकती, अब मेरा कोई नहीं है। मेघा, अरुण, अरुण, Oh!